ये हैं महाभारत वाले भीम यानी सौरव गुर्जर। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीवी शो महाभारत में भीम के कैरेक्टर के लिए इनका सिलेक्शन एक सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू हुआ था। एक्चुअली इन लोगों ने एक स्टेटस डाला हुआ था कि हमें 6'3" का बंदा कोई सर्च कर रहे हैं हम लोग भीम के लिए, जो मिल नहीं रहा काफ़ी टाइम से, जो इनके कास्टिंग के लोग थे। तो उसके बाद वो स्टेटस मेरे किसी फ्रेंड ने पढ़ा, फिर उसने मुझे बोला, फिर इन लोगों ने इससे बात हुई मेरी, फिर मेरा दिल नहीं था लेकिन उन्होंने थोड़ा अप्रोच और किया, फिर इनसे बात हुई, उसके बाद मैं आपके सामने। जैसा मेरा कैरेक्टर है वैसा मैं रियल लाइफ में भी हूँ अपने में। ये लोग मुझे बहुत अभी भी लोग परेशान कर रहे हैं मुझे पीछे से, सब लोग अगर देख रहे हो तो, ये नकुल सैदे बहुत परेशान करते हैं मुझसे और हमेशा मेरी मौज मस्ती इनके साथ होती रहती है, तो बस यही सब परेशानी है। ये पिटते हुए इसीलिए पिटाई करता हूँ मैं लोग, ये पिटते हुए मेरे से जब ज़्यादा परेशान करते तो पीटता हूँ मैं। दुर्योधन भी आपको बहुत परेशान करते हैं जैसा कि मैम से शेयर। हाँ, दुर्योधन से भी मेरी मजाक मस्ती होती रहती है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि मैं जब कैरेक्टर में आता हूँ तो उन्हें गुस्से में देखता हूँ और उन्हें वो गुस्से को निकाल नहीं सकते सामने, क्योंकि कैरेक्टर में वो दुर्योधन है और भीम के गुस्से वो ज़्यादा है, तो ऑफ स्क्रीन वो मेरे साथ मस्ती करते हैं। भीम ने हमें बताया कि कैसे ये उनका पहला टीवी शो है। मेरा ये पहला टीवी शो है, मैंने इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की, तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कतें हुई, मैं घबरा गया कई बार कि कैमरे का सामना कैसे करूँगा मैं, मेरी हिंदी के शब्द उतने अच्छे नहीं थे। फिर अभी जब कर रहा हूँ करते करते अभी मज़ा आ रहा है, अभी बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, सच में लगता है कि मैं रियल भीम हूँ और अगर भीम होगा उस टाइम तो ऐसा ही होगा, मेरे जैसे ही होंगे भीम, तो अभी बहुत मज़ा आता है, बहुत मस्ती करता हूँ। एक्चुअली एक्टिंग के लिए हमने मिस्टर रजत कपूर के पास वर्कशॉप की, जो करीब हमारे 6-7 महीने मतलब 5-6 महीने चली, जिसमें हम सब लोग ही थे। वर्कशॉप में मैंने एक्टिंग सीखी और एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, क्या सामने वाला बोल रहा है उसको कैसे रिप्लाई करना है, वो सब वहाँ सीखा। उसके बाद जब मैं कास्ट हुआ तो मेरा वेट 120 था, तो मुझे सिद्धार्थ कपूर ने बोला कि आपको और गेन करना है, तो मैंने अपना वेट गेन किया 10-12 किलो, अभी मेरा 135 kg वेट है। तो मेहनत बहुत की, शरीर पर बहुत मेहनत की, बहुत वेट गेन किया, एक्टिंग भी बहुत मेहनत की। वो एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं इसलिए भीम के रोल के लिए लंबे बाल रखना और शुद्ध हिंदी बोलना उनको बहुत मुश्किल लगता है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल किकबॉक्सर हूँ, मैं 4-time नेशनल चैंपियन हूँ सुपर हैवीवेट में। मैंने जिंदगी में कभी इतने बड़े बाल नहीं हुए क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, स्पोर्ट पर्सन हूँ मैं, तो मेरे हमेशा बहुत छोटे बाल होते थे, जैसे कि आप लोग जितने स्पोर्ट्स पर्सन के होते हैं। अभी कैरेक्टर के लिए बाल बढ़ाने पड़े तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, मैनेज नहीं कर पाते बालों को उतना, क्योंकि ऑयल देना, ऑयलिंग करनी, ये करना वो करना बड़ा समस्या है, लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर के लिए करना पड़ा। महाभारत के सेट पर हमें नकुल सहदेव और भीम के बीच जो शरारत भरा रिश्ता है उसकी झलक भी साफ दिखाई दी। नकुल सहदेव जब तक दूर रहते हैं मुझसे ज्यादा परेशान करते हैं, मेरी पकड़ से बाहर होते हैं, जब मैं इनको पकड़ लेता हूँ उसके बाद ये मेरे पैरों में गिर जाते हैं, भाई छोड़ दो, क्षमा कर दो, गलती हो गई। ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हमें पकड़ के लिए चलना है, चल चल, और पकड़ नहीं पाते हैं।